हे गाइस, तो कैसे हो सब लोग? होपफुली मस्त हो गए गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी तगड़े तगड़े अपकमिंग इवेंट एंड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि यार बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले हैं। जैसे कि रमादान इवेंट हो गया जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, एंड इसके अंदर का जो इंटरफेस है, फ्री के रिवॉर्ड्स हैं, मिशंस वगैरह हैं, वो सब कुछ मेरे पास आ चुके हैं, दिखाने वाला हूँ। एंड कोबरा बंडल को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो भी यार यहाँ पे एनीमे फैंस हैं, एनीमे देखते हैं सर, उनके लिए फ्री फायर की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है आगे बताऊंगा, बाकी आप बताना कमेंट करके कि आपका फेवरेट एनीमे सीरीज कौन सा है। मेरा तो जुजुत्सु काइज़न है। इसी के साथ में टुनाइट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। कल एक अच्छा खासा न्यू इवेंट आएगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर, तो उसके बारे में बताऊंगा। बाकी कुछ छोटे मोटे और भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग टॉपिक्स को लेके, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने पिक कर लिया, तो उनका भी रिप्लाई इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, और हमेशा एक तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यार टुनाइट अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल एक काफ़ी अच्छा खासा न्यू इवेंट आएगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर। फिलहाल जो टॉप इवेंट चल रहा है अपने इंडिया सर्वर के अंदर, इसके अंदर आपको ऐसी साइथ की स्किन दी जा रही है, ये आज एक्सपायर हो जाएगा। और कल गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर थोड़ा सा रमादान स्पेशल टॉप इवेंट आने वाला है, जिसमें गाइज आपको एक इमोट मिलेगा फ्री में 100 डायमंड टॉप करने पे, जिसका नाम है स्वैगी वी स्टेप, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे एक बंडल और रहने वाला है फीमेल का, पल्स राइडर बंडल, आप देख पा रहे होंगे। एंड इन्हीं के साथ में यहाँ पे अवतार बैनर्स वगैरह रहने वाले हैं एंजेलिक के, जो कि आपको 30-30 दिन के लिए ट्रायल के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई अपना नेक्स्ट टॉप इवेंट है जो कि कल आ जाएगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर, एंड ये अपनी टुनाइट अपडेट है। एंड चलिए गाइस अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किए। पहले कमेंट आ रहे गाइस साइको टैग की तरफ से, ये वह करें नेक्स्ट ईवो बंडल कौन सा होगा। ब्रो अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि नेक्स्ट ईवो बंडल कौन सा होगा, क्या होगा, क्या थीम पे बेस्ड रहने वाला है, जैसे ही लिख जाएंगे तुरंत से शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आ रहे नीलम वर्मा की तरफ से, ये वह करें रैम्पेज ईवो बंडल रिटर्न डेट प्लीज़। रैम्पेज ये वो बंडल अभी रिटर्न नहीं आने वाला, पहले कोबरा बंडल रिटर्न आएगा, उसका क्या सीन है आगे आपको पता लग जाएगा। एंड नेक्स्ट कमेंट आ रहा है प्रशांत कुमार की तरफ से, ये भाई करें इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा। भाई इमोट पार्टी इवेंट अपना वैलेंटाइन इवेंट पे आने वाला था, लेकिन गैराना ने उसे पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं क्यों। तो मे भी हो सकता है गाइज आपको अप्रैल मंथ में वो देखने को मिले इमोट पार्टी इवेंट, क्योंकि मार्च महीने में तो पॉसिबल नहीं है वो आना, ठीक है। तो यही थी यार आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट जिनका रिप्लाई मैंने कर दिया है। और चले गए अपने रमादान इवेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो भाई कुछ आधा सवा के अंदर रमादान इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि पाकिस्तान सर्वर हो गया, वहाँ से मैंने इंटरफेस दिया है इस रमादान इवेंट का, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रहेगा। अंदर जो आपको लॉगिन रिवॉर्ड में थी के टोकन दिए जा रहे हैं, बाकी रिवॉर्ड्स में गाइज आपको एक फीमेल का बंडल दिया जा रहा है, ठीक है, बंडल आप देख सकते हो। एंड और भी कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं, जैसे कि व्हीकल की स्किन्स होगी, बाइक की स्किन वगैरह ये, एंड यहाँ पे पेन की स्किन्स हैं, ठीक है। तो ये सब तो यार आपको फ्री के रिवॉर्ड्स में दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो है स्कार की स्किन भी आप देख पा रहे होंगे। तो लिटरली आपको यहाँ पे सिंपल करना क्या होता है कि जो मिशन है उनको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके आपको टोकन्स मिलेंगे। एंड जो यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है ऊँट, इसको जो है आपको किलोमीटर का माइलस्टोन दिया जाएगा, वो कंप्लीट कराना है, टोकन से लेट्स गो करना है। एंड ये फिर आगे बढ़ेगा, जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइज़ मिलेंगे, जो भी आप यहाँ पे प्राइज़ को रीच करते जाओगे उनके बाद आप उसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहने वाला है रमादान इवेंट का। अब प्रॉब्लम यह है कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर कब स्टार्ट होने वाला है, जो कि अभी तक यार कंफर्म नहीं हो पाया है। क्या पता आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही स्टार्ट हो जाए रमादान इवेंट अपने इंडिया सर्वर के अंदर। और देखो कल तो अपना नया टॉप इवेंट आने वाला है, लेकिन गाइस परसों 12 मार्च को भी अपने इंडिया सर्वर के अंदर दो नए इवेंट आने वाले हैं। एक तो इवेंट के अंदर आपको फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे, एंड एक पेड इवेंट रहने वाला है। तो जो पेड इवेंट है एक फेरेड व्हील इवेंट रहेगा, इसके अंदर गाइस अपनी अराइवल एनिमेशन और स्काईविक की स्किन आने वाली है, जो कि हैप्पी टबिंग वाली आएंगी, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है, फेरेड व्हील इवेंट के अंदर रिटर्न आने वाली है परसों 12 मार्च को। तो जो भी भाई निकालने की सोच रहा है इजी पीजी निकाल सकते हैं, 800-1000 डायमंड आपके खर्च होंगे इसको निकालने में, ठीक है। एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट होगा जो कि 12 मार्च को आएगा, वो कुछ ये रहने वाला है एलिमिनेट योर फॉइज करके, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट होगा। इसके अंदर गाइज आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करने हैं, देन गाइज आपको जो है यहाँ पे फ्री में एक क्रेट बॉक्स मिल जाएंगे गन स्किन्स के। तो ये दोनों इवेंट परसों 12 मार्च के लिए कंफर्म हो चुके हैं अपने इंडिया सर्वर के अंदर। और गाइज एनीमे फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गैराना फ्री फायर जो है ना, अब जो एनीमेज है उनके साथ कोलैबोरेशन के बारे में ज़्यादा ही सोच रही है, क्योंकि अभी एक सर्वे किया था गैराना ने, जिसके अंदर गाइज मोस्टली एनीमेज के बारे में पूछा गया कि कौन से एनीमे से कोलैब करना बेटर रहेगा। आप देख ही पा रहे होंगे अलग अलग तरीके के एनीमेज हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है भाई जुजुत्सु काइज़न है, एंड मैं सोच भी रहा हूँ कि यार उसी के साथ कोलैब होना चाहिए। और यहाँ पे एक और नासू लीक से निकल के आ रही है कि जो OB44 अपडेट होगा, जो नया अपडेट आएगा OB, वो गाइज एनीमे बेस्ड ही रहने वाला है, ठीक है। उसका एक यहाँ पे प्रूफ निकल के आ चुका है मोडेटो की तरफ से, जो कि मैं शेयर भी कर सकता हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो भाई मतलब एनीमेज के कोलैब को लेके काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जा रहा है फ्री फायर की तरफ से। एंड मैं तो उम्मीद करूँ कि यार जो भी हम सब के फेवरेट वेब सीरीज हैं एनीमे के, उन्हीं के साथ कोलैब हो तो अलग ही लेवल का मजा है, क्या ही बोलूँ। उसी के रिगार्डिंग बंडल्स, आइटम्स
एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फील भी होगा कि हाँ भाई हम उस एनिमे के अच्छे फैन भी हैं एंड उसी की चीज़ों को यूज़ भी कर रहे हैं, पैरते भी हैं, मज़े भी ले रहे हैं, समझो। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन रहेगा मुझे कमेंट करके जोर से बताइएगा। और नेक्स्ट कॉलैब गाइस कौन से एनिमे के साथ होना चाहिए ये भी यार कमेंट करके बता देना। तो चलिए भाई अब यहाँ पे नए इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अपना होली इवेंट रहेगा। होली इवेंट गाइस 20 मार्च के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड उसके जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो यार आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ठीक ठाक आइटम्स है भाई अपने होली इवेंट के। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार का होली इवेंट रहेगा वो अपने होली ही नाम से रहने वाला है, वरना आपने देखा होगा दिवाली इवेंट हो गया, होली इवेंट हो गया, यार वो कोई और उल्टे सीधे नाम से रख देते हैं। मतलब नाम तो रिलेट करता है होली इवेंट से लेकिन होली नाम नहीं रहता। तो इस बार का जो इवेंट है वो होली नाम से रहेगा एंड काफ़ी मस्त इवेंट रहने वाला है इस बार का। और लीक्स तो भाई ये भी निकल कर आ रही हैं कि होली इवेंट आने से पहले पहले अपना फ्री फायर इंडिया भी आ जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो भाई हमें 15-20 मार्च को पता लग ही जाएगा। बाकी मैं तो होप करूंगा कि यार फ्री फायर इंडिया आ जाए तो बेटर रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार होली इवेंट को सेलिब्रेट करने में। हाँ वो बात अलग है, फ्री फायर इंडिया और फ्री फायर मैक्स दोनों सेम ही रहेंगे, लेकिन ये तो रहेगा ना कि हाँ फ्री फायर बैन कभी हुआ नहीं था, मतलब हुआ भी था वो सीन नहीं था, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो फ्री फायर इंडिया आएगा यार, टेंशन मतलब बहुत जल्द आएगा एंड काफ़ी हिंट भी निकल कर आ रहे हैं जो कि अभी पूरी तरीके से मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी जल्दी शेयर करूँगा एंड क्या पता डेट भी कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो होली इवेंट भाई बिंदास चलने वाला है इस बार का एंड काफ़ी अच्छे अच्छे फ्री के रिवॉर्ड्स हैं। बाकी एक टोकन व्हील या टोकन रिंग इवेंट भी निकल के आ रहा है जिसके अंदर गए ये बंडल्स वगैरह रहेंगे, इमोट्स रहने वाले हैं, ठीक है, वेपन्स के स्किन रहने वाली है जो कि आपको होली स्पेशली देखने को मिलेगा होली टाइम पे। एंड अदर सर्वर के अंदर कुछ और नाम से डाला जा रहा है, ठीक है। तो यार ये अपने होली इवेंट को लेके लीक्स वगैरह थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड चलिए गाइस अब अपने कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यार आपको वीडियो में फुल मजा आ रहा है, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मार्च का महीना है ना अपने रमजान इवेंट और होली इवेंट में तो घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यार कोबरा बंडल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आने तो वाला था इस मार्च महीने के फर्स्ट वीक में, लेकिन पता नहीं यार कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारे इवेंट को ना गरना पोस्टपोन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो जो फ्री फायर इंडिया आ जाए उसके अंदर डाले उनको, जो कि यार बेटर भी रहेगा, बहुत सारी ऑडियंस बिना हिचके जाए उसको निकाल लेगी भी वहाँ से एंड काफ़ी तगड़ी भी सेल होगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते गरना वालों का। सरप्राइजली उसको जल्दी भी डाल सकते हैं एंड चांसेस तो हैं कि भाई इस मार्च महीने के अंदर कोबरा मंडल नहीं आने वाला, जो अपना नेक्स्ट मंथ होगा अप्रैल महीने उसके अंदर गाइज फर्स्ट वीक में ही कोबरा मंडल हमें रिटर्न मिलेगा। एंड बात की जाए इवेंट की तो या तो वो असेंशियल इवेंट हो सकता है या फिर रिंग इवेंट हो सकता है, इनमें से किसी एक इवेंट के अंदर ही अपना कोबरा मंडल रिटर्न आएगा, कुछ और भी कोबरा स्पेशल आइटम्स होंगे, ठीक है। एंड इसको निकालने में कम से कम आपके 2500-3000 डायमंड तो खर्च होने वाली हैं, बाकी इसके बैनर्स वगैरह भी गेम के अंदर ऐड हो जाएंगे जिससे कि डेट वगैरह कंफर्म होगी तो यार वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो भी भाई कोबरा बंडल को निकालने के लिए अपने आईडी के अंदर डायमंड इकट्ठे कर रहे हैं मुझे बताना कमेंट करके आपने कितने डायमंड इकट्ठे किए हैं और इनको इधर उधर खर्च मत करना, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।